फाइनली आई एम मूविंग टूवर्ड्स गंगोत्री। ये उत्तरकाशी से गंगोत्री का रोड है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरेस्क रूट्स यू विल एवर गेट टू ड्राइव ऑन बिकॉज ये अभी हर्सिल एंड ब्यूटीफुल वैलीज के थ्रू भैरव घाटी हर्सिल के थ्रू रास्ता गुजरता है। कोई भी ट्रैक्स के लिए जो बेस कैंप होता है वो जनरली 3000, 2000 फीट 5000 फीट से स्टार्ट होता है, 6000 से स्टार्ट होता है। बट गंगोत्री क्षेत्र का ये एक यू कैन से इट इज़ अ एडवांटेज एंड ऑल्सो डिसएडवांटेज। एडवांटेज है कि आप 10000 फीट से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो आपको ट्री लाइन ज़्यादा नहीं मिलती वेन यू आर गोइंग अप, सो आपको स्लिपरी मोड्स बहुत कम मिलेंगे। बट उसी कारण क्या होता है कि बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अ 10000 फीट द ऑक्सीजन लेवल्स आर लेस, सो एक्लिमेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। सो देर इज़ अ प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू केदारतल विच इज लाइज एट ऑलमोस्ट 16000 फीट और 10000 से मुझे सिर्फ दो स्टॉप्स लेने हैं। सो यस एवरी डे इवेंचुअली आई एम क्लाइंबिंग 2500 फीट इन दैट वेदर, सो इट इज़ गोइंग टू बी रियली चैलेंजिंग। दिस इज जस्ट ब्लिस। इफ यू आर अ बाइकर यू लव ट्रैवलिंग इन द हिमालयस, दिस इज़ वन रूट आई ऑलवेज टेल यू टू टेक। आप लद्दाख जाते हो, बहुत से कठिन जगहों पर जाते हो, पर ये जो एक रूट है फ्रॉम उत्तरकाशी टू गंगोत्री, दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट प्लेसेस टू ड्राइव एंड एंजॉय नेचर। सो इट्स अ गुड टाउन। यहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स निकलते हैं, एस्पेशली सहस्त्रताल का ट्रैक निकलता है यहाँ से और भी कुछ ट्रैक्स निकलते हैं इन दिस अमेजिंग माउंटेंस। अगर आपको उत्तरकाशी में नहीं रुकना है तो पटवारी में आके रुक सकते हैं। यहाँ पे रहने के लिए होम स्टेज है और बहुत अच्छे व्यूज़ हैं। यहाँ पे गंगा है, यहाँ पे वाटरफॉल भी है। सो दिस इज़ अ फ्रेश एयर, इज अ फ्रेश लैंडस्लाइड। सो लेट अस सी व्हाट इट इज़। लैंडस्लाइड के ऊपर से हम जा रहे हैं, वेरी डिफ़िकल्ट टू नेविगेट दिस क्योंकि फिसलन होती है बहुत, तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलाना पड़ता है जब पीछे और आगे गाड़ियाँ हों। ये जो जगह है यहाँ से हम भंगेली विलेज जाते हैं, दिस इज़ द रोड टू भंगेली, यहाँ से गिरारा बुग्याल की तरफ जाता है और ये गंगानी का ब्रिज है जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एंड मेरे पीछे जो पहाड़ी रहेगी मैं आपको अभी बताऊँगा, तो वहाँ पर गिरारा बुग्याल आता है, यू हैव टू क्रॉस दैट माउंटेन एंड यू हैव टू गो टू गिरारा बुग्याल। तो दिस वॉज द लास्ट, अगर आप मैंने उसके प्रति वीडियो बना दिया है तो इफ यू कैन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इफ यू कैन सी दैट इज़ द भंगेली विलेज और इसके पीछे जाके हमें गिडारा बुग्याल जाना पड़ता है विच इज़ वेरी हाई, ऑलमोस्ट लाइक विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक एट 14000 फीट। ये गंगानी विलेज है और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं जो मैं लास्ट टाइम रुका था, तो हम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स में रुके थे। मैं चंद्रिया होटल में रुका था, दिस प्लेस एंड यहीं से ऊपर हॉट स्प्रिंग्स है जहाँ पे जाके आप स्नान कर सकते हैं। वेरी नैरो पेंट्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर एंड ऑफ कोर्स डोंट गेट लॉस्ट इन द सीनरी, कीप योर आईज ऑन द रोड। इट्स एक्सपीरियंस इज जस्ट ऑसम, अमेजिंग एक्सपीरियंस। यू जस्ट इट्स अनपैरेलल्ड, यू आर गोइंग थ्रू दिस ब्यूटिफुल डेंस फॉरेस्ट, स्नो माउंटेंस, ऑक्सीजन लेवल्स, एयर क्वालिटी इज एब्सोल्यूटली ग्रेट, यू ब्रीथ द फ्रेश एयर एंड आई थिंक दिस इज़ अ बाइकर्स पैराडाइज। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, ऑफकोर्स देर आर अदर रोड्स ऑन विच यू कैन ट्रैवल बट दिस स्ट्रेच फ्रॉम उत्तरकाशी टू गंगोत्री ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। टू हर्सिल, हम दूसरी वैली में जा रहे हैं, हर्सिल वैली में। आप बाइकर्स देख रहे हैं मेरे आगे, ये एक स्पॉट होता है जहाँ पर लोग फोटोग्राफी करते हैं। सो दिस इज़ अ फेमस स्पॉट फॉर बाइकर्स टू स्टॉप एंड टेक फोटोग्राफ्स बिकॉज यू आर क्रॉसिंग ओवर टू द हर्सिल वैली, दिस इज़ द फाइनल वैली। अब यहीं से हम गंगोत्री भैरव घाटी का रास्ता स्टार्ट होगा और यहाँ से हर्सिल केवल 9 किलोमीटर्स पे है। तो दिस इज हर्सिल फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ से आप हर्सिल क्षेत्र में जाते हो, दिस प्लेस, दिस इज हर्सिल एंड इट्स अ मिलिट्री एरिया, कंटोनमेंट एरिया। यहाँ पे ठंड बहुत थी बिकॉज एज यू कैन सी इट इज ऑल इन कवर्ड बाय ट्रीज, बट द मोमेंट आई क्रॉस देयर आई विल बी गेटिंग लॉट ऑफ सनलाइट। सो दिस इज़ द ब्रिज वेर आई एम क्रॉसिंग ओवर टू द गंगोत्री रेंजेस, फाइनल क्लाइंब ऑफ भैरव घाटी। और यहाँ से अब कुछ लगभग 15 किलोमीटर से 17 किलोमीटर पे गंगोत्री है, तो मैं शायद एक घंटे में वहाँ या आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। अप्रोचिंग भैरव घाटी, यहाँ पे ब्रिज पे रुकना मना है, फोटोग्राफी मना है। सो
यू कैन सी दोनों साइड में ब्यूटीफुल गॉर्जेस दिख रहा है आपको बोथ द साइड्स. एंड वी आर बी नाउ बी रीचिंग भैरव घाटी, जहाँ से नीलांग का रास्ता निकलता है. घाटी का प्राचीन मंदिर है जहाँ पे मैं लास्ट टाइम गया था. एंड जैसे अभी यात्रियों के वजह से फुल, लास्ट टाइम यहाँ पे कोई नहीं था और अभी बिकॉज ऑफ यात्री दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड. और यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन शिव जी का मंदिर है जहाँ जिसे मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था और अभी भी यदि मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूँगा विजिट. तो फाइनली मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है. मेरे पास ई पास नहीं है तो जाने नहीं दे रहे थे, बट बिकॉज आई एम गोइंग टू केदारकल और यहाँ के पंडित जी मेरे पहचान के हैं तो मैं जा पाया. तो नाउ आई एम गोइंग स्ट्रेट अवे टू भगीरथी सदन, द प्लेस वेर आई एम गोइंग टू स्टे. एंड ये आप गंगोत्री के मार्केट से मैं आपको लेके जा रहा हूँ. फाइनली मैं गंगोत्री आ चुका हूँ और ये मैं भगीरथी सदन रुकने वाला, ये वही जगह है जहाँ पे मैं लास्ट ईयर रुका था. ये पंडित जी की जगह है जो यहाँ पे पंडित जी है, कि अब उन्हीं के माध्यम से मैं जा पाऊँगा मंदिर में. इस सदन में मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने आया हूँ क्योंकि रूम अवेलेबल नहीं है. यात्री बहुत है और चेकिंग भी बहुत हो रही है. मुझे केदारकल जाना था तो मुझे परमिशन मिल गई. शाम को अभी दर्शन करूंगा, शायद कल भी दर्शन करूंगा. एंड इसके बाद आई बी गोइंग टू केदारकल ट्रेक. उसके आगे जो भी मैं जो भी एरिया से जाने वाला हूँ मैं अपना मोटो व्लॉग कंटिन्यू रखूँगा.